अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती लगातार लाइमलाइट में बनी रही हैं। इतना ही नहीं, सुशांत के फैंस ने उन्हें खूब खरी खोटी भी सुनाई और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर रिया को खूब ट्रॉल भी किया जाता है। हालांकि रिया धीरे धीरे अपनी साधारण जिंदगी में आना शुरू कर रही हैं, लेकिन सुशांत के फैंस को यह बात गले से नीचे नहीं उतर रही है। हाल ही में रिया को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया, जिसके बाद से उन्हें एक बार फिर आपत्तिजनक टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। दरअसल आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट विरल भयानी ने रिया चक्रवर्ती की एक वीडियो शेयर की है, जिसमें वो मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आ रही हैं। तस्वीरों में रिया काफी सिंपल नजर आ रही हैं। साथ ही रिया ने अपनी सेफ्टी का भी खास ख्याल रखा है, उन्होंने मास्क और फेस शील्ड भी लगाई है। रिया की ये तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। हालांकि सुशांत की मौत के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि रिया छुट्टी मनाने के लिए बाहर निकली हो, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी जमकर क्लास लगा दी और उनके खिलाफ खूब बयानबाजी भी की। एक यूजर ने तो लिखा कि उन्हें रिया को देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बल्कि सुशांत राजपूत की याद आ जाती है। वहीं अन्य यूजर ने तो यह तक लिख डाला कि मैडम अब किसके पैसे पर घूमने जा रही हो, अब किसकी जान लोगी। इसके अलावा भी फैंस ने तरह तरह के कॉमेंट्स किए हैं और साफ तौर पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। वहीं कुछ लोगों ने सवाल किया कि वह बेल पर बाहर है और शहर छोड़कर कैसे जा सकती हैं। गौरतलब है कि रिया ने कुछ समय पहले ही सोशल मीडिया पर वापसी की है। हाल ही में उन्होंने किताब पढ़ते हुए अपनी एक तस्वीर शेयर की थी। इस तस्वीर में रिया रविंद्रनाथ टैगोर की कविता गीतांजलि पढ़ती हुई दिखाई दी थी। तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा था कि एक सवाल और एक अफसोस, ओह और कहां। हजारों धाराओं के आंसू में पिघल गए और आश्वासन की बाढ़ में दुनिया को ले लिया कि मैं हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि।